everyone, welcome back to this chapter. And in today's video we will see what is valence bond theory. Now valence bond theory is a theory which we already learnt as first type in chemical bonding chapter from 11th standard. ये थियोरी कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स किसके लिए है और थोड़ी सी अलग है. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस थियोरी? दिस थियोरी विल हेल्प अस टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ठीक है, वी कैन फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, वी कैन ऑल्सो फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. तो मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज पैरा मैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है वो भी ढूंढ सकते हैं. वी कैन फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, अलॉन्ग विद दैट वी कैन फाइंड द geometry of the molecule. So before we start directly with the postulates of the theory, blah blah blah, उसके पहले उसके examples कर लेते हैं. We understand what are we doing actually, and then if we run through postulates it becomes very easy. So सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एक spectrochemical series देखेंगे. Spectrochemical series मतलब क्या हो जाएगा? If you see halide मतलब halogen, समझो मैं लिखती हूँ fluorine, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन. मुझे बताओ इसमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑब्वियसली फ्लोरिन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो क्या फ्लोरिन को इलेक्ट्रॉन देना पसंद है? नहीं पसंद है, उसको लेना पसंद है. कंपेयर टू दैट कौन इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना? कार्बन दे देगा. सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है? कार्बन की ज़्यादा है. दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी. तो अभी मेटल को लाइगेंड्स क्या दे रहे? अपने दो इलेक्ट्रॉन दे रहे और बॉन्ड बना रहे. मेटल इज गेटिंग टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लाइगेंड एंड इट इज फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. नाउ माय सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, ये मेरा मेटल है जिसके ऊपर कोई तो चार्ज है. इट कैन बी प्लस एनी प्लस चार्ज और इट कैन बी न्यूट्रल. ठीक है, सो प्लस और माइनस एन लिख देते. अब ये मेटल पे कौन आ रहा है? लाइगेंड्स अटैक कर रहे. सो लाइगेंड्स आर कमिंग एंड अटैकिंग द मेटल एटम. ठीक है, अब ये फ़र्क क्या पड़ेगा? मेरे जो लाइगेंड्स अटैक करने आ रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड वाले लाइगेंड्स है या वीक फील्ड लाइगेंड्स है? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स? स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन्स देना है, बहुत भाग 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 कर आ रहे हैं और उनको इलेक्ट्रॉन देना. और वीक फील्ड मतलब उनको कुछ इलेक्ट्रॉन देना नहीं है. सो दे विल गो वेरी स्लोली स्लोली एंड स्लोली. ठीक है, समझो इफ़ यू वॉन्ट टू गिव समथिंग फास्ट, ठीक है, तो तुम क्या चाहोगे? भाग भाग के चाहोगे. बट अगर तुम्हें नहीं देना तो तुम स्लोली, अगर तुम्हें पेपर चेक करने नहीं देना, अगर तुमने होमवर्क नहीं किया है और तुम्हें फिर भी दिखाना पड़ रहा है, यू विल गो वेरी स्लोली स्लोली बाई टेकिंग अ बुक. बट इफ यू हैव कम्प्लीटेड योर होमवर्क एंड यू वॉन्ट टू शो इट, यू वॉन्ट टू बी द फर्स्ट पर्सन टू शो इट, तुम क्या करोगे? भाग 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 के चाहोगे. करेक्ट. सो यहाँ पे भी एक है जिनको इलेक्ट्रॉन इजीली दे देना है और दूसरा है जिसको इलेक्ट्रॉन नहीं देना है. सो इन दैट केस जिसको इलेक्ट्रॉन देना है उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और जिसको नहीं देना है वो वीक फील्ड लाइगेंड. बीच वाले हो जाएंगे मॉडरेट फील्ड लाइगेंड. मॉडरेट फील्ड लाइगेंड. अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड मतलब कौन से वाले होते हैं? जिसको इलेक्ट्रॉन देना है, मतलब कार्बन देने को रेडी है. नाइट्रोजन बीच में आ जाता है, चलो ठीक है, देते भी है, किसी को देंगे किसी को नहीं देंगे. और वीक फील्ड मतलब जिनको नहीं देना, मतलब ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन वाले. ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन को देना है वो नहीं दे रहा इजीली. ठीक है, एग्जांपल्स कौन से हो जाएंगे? कार्बन वाले, जैसे कि साइनाइड हो गया जिसमें कार्बन दे रहा है. नेक्स्ट कार्बोनिल हो गया, अगेन जिसमें कार्बन दे रहा है. तो ये कौन से एग्जाम्पल्स हो गए? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के. वीक फील्ड मतलब क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन है, जैसे कि H2O हो गया, ऑक्सालेट हो गया, C2O4-2 हो गया, फ्लोरीन में क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया. सो ऑल दीज आर वीक फील्ड लाइगेंड, इनको इलेक्ट्रॉन नहीं देना. मॉडरेट मतलब नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन किसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा और किसके साथ वीक फील्ड की तरह? आई एम गिविंग यू वन सीक्रेट, ठीक है, यू विल नॉट फाइंड इट एनी वे. नाइट्रोजन विल बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड विद कड को फे कु. ठीक है, किसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा? कैडमियम, कोबाल्ट, आयन, कॉपर. कैसे याद रखेंगे? कड को फे कु, कड को फे कु, मतलब ये चार के साथ वो एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड. बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ वो
वीक फील्ड की तरह बिहेव करने वाला है. ठीक है, सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ डू यू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन विद दिस. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद एन एग्जांपल. अब मेरे पास यहाँ पे K4FeCN6 साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और वीक फील्ड लाइगेंड. यस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड. तो पहले मैंने क्या आइडेंटिफाई कर लिया, मेरा लाइगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है या वो वीक फील्ड लाइगेंड है. नाउ आई विल राइट द ऑक्सीडेशन नंबर. सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे. सो प्लस 4 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स विल बी इक्वल टू प्लस 2. तो मेरा Fe इन इट्स प्लस 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा. Fe इज इन इट्स प्लस 2 तो आर्गन 18 एंड 3d6 4s0, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से गए, s से चले गए. नाउ वी कैन मेक द ऑर्बिटल्स ऑफ दिस. सो 3d6 है इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 एंड 5 एंड द सिक्स वन पेयर्स अप. अब 4s जो है वो खाली पड़ा हुआ है. कैन आई से 4p भी खाली पड़ा हुआ है वहाँ पे, एंड आई कैन से 4d भी आगे खाली ही पड़ा हुआ है. दे ऑल आर जस्ट प्रेजेंट एम्प्टी ऑर्बिटल्स. सो व्हाट विल हैपन, लाइगेंड विल कम. अब लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, भाग भाग के आएगा और इतना भाग के आएगा क्योंकि लोगों को पुश कर देगा. ठीक है, व्हेन यू आर सी फॉर एग्जांपल 3 students आर सिटिंग ऑन अ बेंच और तुम इतने स्पीड से और बैठे तो क्या हो जाएगा, बाकी सारे तीनों जन पुश हो जाएंगे. ठीक है, यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रेन विच यू आर टेकिंग द ट्रेन इन द मॉर्निंग 8:39 o'clock. अभी 8:39 को कितना रश रहता है ट्रेन में, राइट. हमारे बॉम्बे में बहुत ज़्यादा रश होता है व्हेन वी से ट्रेन का 8:30 और 9 के टाइम में. ठीक है, लोकल ट्रेन. सो नाउ इफ द पर्सन इज गोइंग इन द ट्रेन, there are already 3 passengers who are sitting, and when the 4th one just rushes inside and want to sit, will push the other 3 person and make seat for himself. तो साइनाइड भी क्या करेगा, आएगा और जोर से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको धक्का देगा. ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या देगा, वो धक्का दे देगा. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड क्या देता है, स्ट्रॉन्ग है ना, तो स्ट्रॉन्ग धक्का देते हैं. अब धक्का देने की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे. इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे. तो टोटल कितने 6 है, 6 विल पेयर अप एज 1 2 3 4 5 6. 6 इलेक्ट्रॉन्स गॉट पेयर अप और बाकी जो है वो वैसे ही रहेगा, 4s खाली है वो बड़ा है, 4p ऑल्सो रिमेन्स एम्प्टी एंड 4d. अब मेरे पास कितने लाइगेंड्स है टोटल, आई हैव 6 ligands और एक ligand कितना इलेक्ट्रॉन लाता है, 2. सो 6 1 2 इलेक्ट्रॉन लाते हैं. तो 6 ligand के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए टोटल, 6 orbital चाहिए. सो नाउ 1 2 3 4 5 and 6, दिस 6 orbitals विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन. इट विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन एंड इट विल फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल विथ 6 of them टुगेदर. ठीक है, नाउ दिस 6 orbitals आर टुगेदर. ठीक है, कौन से मिक्स हुए, तो 2d के हुए, 1 s का हुआ और 3 p के ऑर्बिटल्स हुए मिक्स. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, 2d 1 s और 3 p, दैट इज d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन. सो d2 हाइब्रिडाइजेशन में हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे लिखेंगे, यहाँ पे वी विल फिल द इलेक्ट्रॉन लाइक दिस. वी कैन फिल इट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिकॉज देर आर 6 ligands और ईच ligand गेट 2 electrons, टोटल विल बी 12 electrons. बट जितने ligand है उतने orbitals वो ऑक्यूपाई करेगा. वी अंडरस्टूड इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द अबव मॉलिक्यूल इज d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन. इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, सो जैसे sp3 d2 होता है वैसे ही d2sp3. सो दिस विल बी ऑक्टाहेड्रल, बट ऑक्टाहेड्रल में कौन सा, सो वी से फॉर ऑक्टाहेड्रल एक होता है d2sp3 और एक हो जाएगा sp3 d2. जब हम d पहले लेते थे तो ये कौन सा d यूज़ होता है, ये 3d वाला d यूज़ होता है, 3d ऑर्बिटल वाला d यूज़ होता है. और जब हम d बाद वाला यूज़ करते हैं ये 4d वाला d यूज़ होता है. इसलिए अंदर वाले डी को क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और बाहर वाले को क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. ठीक है,
तो इसका नाम हो जाएगा इनर ऑर्बिटल और दूसरे वाले का नाम हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. अच्छा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? सो इफ यू सी ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, यहाँ पे भी सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो चुके, नीचे भी सारे पेयर्ड अप है, सो दिस विल बी अ डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो इट इज अ डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल. सो वी सॉ एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट वन ओनली. ठीक है, वी विल सॉल्व मेनी एग्जाम्पल टू गेट अ फेयर लुक ऑफ इट. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज K4FeCl6. अभी क्लोरीन याद करो, क्लोरीन क्या हो जाएगा? इट्स अ वीक फिल्ड लाइगेंड. ठीक है, वीक है, भाग भाग के नहीं आता, आराम से आता है. ठीक है, सो अगेन व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट हियर? इट इज +2. +2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? सो आर्गन विथ 18, 3d6 एंड 4s0. करेक्ट, इफ वी ड्रॉ द बॉक्सेस 3d6 के ड्रॉ करते हैं ऑर्बिटल्स, सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. 4s इज 0. ठीक है, ये 4s, 4p भी आगे खाली पड़ा हुआ है और आगे 4d भी क्या है, खाली पड़ा हुआ है. नाउ दिस लाइगेंड इज कमिंग, इट्स कमिंग वेरी स्लोली, सो इट विल नॉट पुश. ठीक है, यहाँ पे नो धक्का. ठीक है, स्लो है, वीक है, तो नो धक्का. वीक लोग धक्का नहीं मारेंगे ना, आएंगे चुपचाप से, जो जगह अवेलेबल होगी उसमें जाके बैठ जाएंगे. सो यहाँ पे देयर इज नो धक्का मुक्की. सो ना हाउ मेनी लाइगेंड्स आर देयर? टोटल 6 लाइगेंड्स आर देयर. तो 6 ऑर्बिटल लगेंगे, कौन से? एक एस, फिर 3p और 2d. सो दिस विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म 6 ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, डेफिनेट शेप एंड मैक्सिमम ओरिएंटेशन इन स्पेस. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अभी यहाँ पे आ गए 6, वी कैन ड्रॉ इट दिस वे ऑल्सो. फर्स्ट क्लोरीन, सेकेंड क्लोरीन, थर्ड क्लोरीन, फोर्थ क्लोरीन, फिफ्थ एंड 6th. विच विल बी द हाइब्रिडाइजेशन? 2s, फिर 3p और 2d. सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2. सो दिस बिकम्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. कैन यू सी एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन हियर? यस, सो देर आर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3 एंड 4. सो इट इज पैरामैग्नेटिक. एंड मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? हाउ डू वी कैलकुलेट? इट विल बी रूट ऑफ n n+2, वेर n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. तो कितने हो जाएंगे? रूट ऑफ 4 विथ 4+2 will give you answer as approximately 4.9 Bohr's magneton. Isn't it simple? अगर strong है तो push करके धक्का दे देना है, weak है तो slowly push करना है. ठीक है, see next example, Na3COCN6. So first let's see what is cyanide. Cyanide is a strong filled ligand. तो strong filled ligand क्या करते हैं? धक्का मारते. ठीक है, तो ये धक्का मारेगा और electrons को push कर देगा. So if we find the oxidation state of cobalt, it is in its +3 state. That gives me argon 18, 3d6, 4s2. दो इलेक्ट्रॉन s से निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन d से निकलेगा. ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो 4s0 हो जाएगा यहाँ पे, और 3d से क्या हो जाएगा, 7 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के वी गेट 3d6, 4s2. सो इफ वी ड्रॉ द बॉक्सेस, 3d, दिस इज 4s, दिस इज 4p और आगे होगा 4d. इफ यू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस, वी गेट 6 इलेक्ट्रॉन्स हियर, सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. बाकी सब खाली है. अब साइनाइड आया, साइनाइड ने पुश किया, सो हाइब्रिडाइजेशन होगा और लाइगेंड क्या करेगा? धक्का मारेगा. तो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पुश हो जाएंगे और 6 कितने बॉक्स ऑक्यूपाई करेंगे? 3. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो हियर वी हैव 3d, 4s, 4p खाली है. करेक्ट, नाउ व्हाट विल हैपन हियर? हाउ मेनी लाइगेंड्स डू वी हैव? 6 लाइगेंड है. 6 को कितनी जगह चाहिए? 6 की जगह चाहिए. सो दिस 2, दिस 1 एंड दिस 3 विल कंबाइन, सो यू गेट योर एज 6 बॉक्सेस विद 6 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम साइनाइड, 12 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम साइनाइड. सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. सो व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन हियर? वी आर यूजिंग 3d ऑर्बिटल के दो ऑर्बिटल्स, और d2 sp3.
जब हम इनर डी यूज करते हैं इट इज कॉल्ड एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड सिंस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप इट इज सेड टू बी डायमैग्नेटिक इन नेचर सो दिस विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर सिंपल लेट्स से अनदर एग्जांपल द वीक फिल्ड लाइगेंड ठीक है ये क्या हो गया नाइट्रो है ना तो वीक फिल्ड लाइगेंड हो गया सो इन दिस केस कोबाल्ट अगेन इन इट्स प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट दैट गिव्स मी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आफ्टर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन एज 3d6 4s0 करेक्ट नाउ देयर आर सिक्स लाइगेंड्स विच विल बी अटैकिंग सो वी ड्रॉ योर 3d विद देयर बॉक्सेस और ऑर्बिटल्स 4s हो जाएगा ये हो जाएगा 4p विद 3 ऑर्बिटल्स एंड 4d अगेन विद 5 ऑर्बिटल्स ओके लेट्स पुट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोबाल्ट फर्स्ट तो कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे 6 1 2 3 4 5 एंड 6 नाउ सिंस दिस इज अ वीक फिल्ड लाइगेंड धक्का मुक्के करेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे फिल हो गए लाइगेंड्स के डायरेक्टली जो खाली नेक्स्ट ऑर्बिटल है उसी से स्टार्ट हो जाएगा सो आई नीड हाउ मेनी ऑर्बिटल्स नाउ 6 सो 1 2 3 4 5 एंड 6 तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे sp3d2 राइट एंड इफ यू जस्ट जॉइन दिस बॉक्सेस टू फॉर्म 6 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 इलेक्ट्रॉन्स व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑर्बिटल sp3d2 दैट इज ऑक्टाहेड्रल एंड इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स यस इट विल बी आउटर कॉम्प्लेक्स बिकॉज हम डी कौन सा यूज कर रहे हैं बाहर वाला डी यूज कर रहे हैं करेक्ट एंड डू यू सी एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन यस देर आर मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स सो देर आर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स व्हाट वी कैन सी हियर सो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट विल बी रूट ऑफ 4 4 + 2 दैट गिव्स मी आंसर इज 4.9 बोर्स मैग्नेटो एंड मेकिंग इट पैरा मैग्नेटिक इन नेचर ओके लेट्स से अनदर एग्जांपल लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल सो अमोनिया अभी अमोनिया के लिए क्या बोला था अमोनिया एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग फील्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ कड़ को फे एंड कू तो यहाँ पे ना ही कैडमियम है ना ही कोबाल्ट है ना ही कॉपर है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा येस इट विल एक्ट एज अ वीक फील्ड लाइगेंड तो ये कॉम्प्लेक्स मैं तुम्हें देती हूँ प्रैक्टिस के लिए ठीक है ट्राई इट एज अ प्रैक्टिस चेक करो तुम्हें आ रहा है या नहीं व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर योर sp3 जस्ट चेक इट इफ यू गेट दिस ऑर नॉट ओके कम ऑन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल CrH2O6 ऑक्सीजन अगेन वीक फिल्ड लाइगेंड अच्छा अभी हम थोड़ा सा शॉर्टकट वे में करते हैं ठीक है वीक फिल्ड लाइगेंड है और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस से सो क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन विल बी 3d5 4s1 होता है उसमें से तीन इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये एक गया और ये दो गया दैट गिव्स मी आर्गन 18 3d3 ठीक है एंड 4s0 3d3 मतलब योर लाइगेंड इज नॉट गोइंग टू पुश द इलेक्ट्रॉन्स तो ये तीन ही ऑक्यूपाइड है मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन फिलिंग कहाँ से स्टार्ट होगा मेरा इलेक्ट्रॉन फिलिंग बच्चे लोग यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगा और टोटल 6 लाइगेंड है 6 लाइगेंड के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा पॉसिबल होता है sp3d2 या d2sp3 करेक्ट या दोनों यही फॉलो होता है सो अब मैं जब अंदर वाला डी यूज़ कर रही हूँ तो फिर ये क्या हो जाएगा d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन अब अनपेड कितने दिख रहे तीन दिख रहे सो रूट ऑफ 3 3 + 2 will give me answer is 3.8 bores magneton. How do I get the answer of root easily? See, अगर 1 unpaired है तो 1.7, 2 unpaired है तो 2.8, 3 unpaired है तो 3.8, 4 unpaired है तो 4.9, 5 unpaired है तो 5.9. So you don't even have to calculate the root, check करो and get the answer. Understood this? So now let's see the postulates of this complexes. Another example, I have 4 ligands here, ZnNH3 4 + 2. जब 4 ligands होते हैं तो hybridization कौन से हो जाएंगे?
either it will be sp3 or it will be dsp2. sp3 मतलब क्या हो जाएगा, sp3 is tetrahedral and dsp2 is square planar. This will be square planar. Now ammonia आ गया. Ammonia किसके साथ strong filled है? कड़को फेकू के साथ. But zinc के साथ तो क्या हो जाएगा, weak filled ligand. So zinc का electronic configuration in +2 will be argon 18 with 3d 10 4s 0. अब ये क्या हुआ, यहाँ पे तो s में कुछ भी नहीं है, है ना, और d तो completely pack है. So in this case we start directly filling the electron from 4s 4p, correct? तो यहाँ से ही start करना पड़ेगा. मेरे पास कितने ligands है, total 4 ligands है. तो इलेक्ट्रॉन्स मुझे ऑर्बिटल भी कितने लगेंगे, 4 ही लगेंगे. सो आई टेक दिस एज द कॉम्प्लेक्स और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 1s और 3p. एंड व्हेन वी फिल द इलेक्ट्रॉन्स विच आर टुगेदर द ऑर्बिटल्स वी गेट दिस वे. सो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया इसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल. विल इट बी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, येस, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर paired up, so this will be diamagnetic in nature, correct? Easy. Okay, so now let's see the postulates of this theory. The central metal atom in the complex makes available number of empty orbital for the formation of coordinate bond with ligand. मतलब central metal atom है, उसके इलेक्ट्रॉन जाने के बाद, उसके ऊपर कोई चार्ज आने के बाद, वो क्या, उसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स डब्बे जो है वो अवेलेबल करता है ताकि कोई लाइगेंड आए और अपने दो इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना दे. द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर द पर्पस गिव द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, नंबर ऑफ लाइगेंड्स, बराबर. तो जितने बॉक्सेस अवेलेबल कर दिए, समझो एक 4s दे दिया खाली, 3 4p दे दिया खाली, और जितने लाइगेंड अटैक कर रहे वही कोऑर्डिनेशन हो जाएगा. तो अगर 4 साइनाइड अटैक कर रहे तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो गया, 4 हो गया. द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल हाइब्रिडाइज टू गिव अ न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड दे डिसाइड द नेचर और ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स. समझो अगर 3D के लास्ट दो ऑर्बिटल खाली है, वंस द लाइगेंड एंटर्ड 1 2 3 4 5 6, और फिर 4s के खाली है और फिर 4p के खाली है. अब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स किस में भरे गए, सो समझो इलेक्ट्रॉन्स गया इसमें, इसमें एंड 4p में गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, d2sp3. तो ज्योमेट्री क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल, एंड उसका ये स्पेस में ऐसे शेप हो जाएगा. सो ज्योमेट्री क्या क्या हो जाएगा, जितनी जगह दे रहे हो उतने लाइगेंड आएंगे, उतनी लाइगेंड में से क्या हो जाएगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल से वो क्या देंगे, ज्योमेट्री टू द मॉलिक्यूल. नेक्स्ट, द डी ऑर्बिटल्स दैट आर इन्वॉल्व कैन बी ईदर फ्रॉम द n-1 ऑर्बिटल्स और द रेस्पेक्टिव n1. मतलब जो डी ऑर्बिटल, अगर मैं इनर वाला 3d यूज कर रही हूँ, ठीक है, अब मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होता है, 3dx एंड 4s2. अगर ये चला गया, मैं ये वाला डी यूज कर रही हूँ, तो n-1 हो गया, और या तो मैं 4d ये वाला यूज कर रही हूँ, दैट इज n1. सो इधर आई यूज n-1 और nd ऑर्बिटल. अगर ये यूज किया मतलब n-1 वाला यूज किया है, और n-1 मतलब नाम क्या हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और 4d यूज किया मतलब n यूज किया, इसका मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है. The ligands that donate the electron pair to this vacant orbital and form metal ligand bond. Metal ne, ligand ne metal ko do electron diye aur coordinate bond bana liya. If the metal has no unpaired, then it is diamagnetic. And if it has unpaired electron, then it is paramagnetic. Agar unpaired hota hai to paramagnetic. Aur magnetic nature ka formula kaise ho jayega? How do we find the magnetic moment? Root of n n + 2, and the unit is Bohr's magneton. When strong field ligands are present, the d electron undergo pairing before the empty orbital undergo hybridization. मतलब अगर strong वाले आएंगे तो धक्का मुक्की करेंगे, electrons को pair कर देंगे. Weak वाले आएंगे तो धक्का मुक्की नहीं करेंगे. And this is that spectrochemical series. देखो सबसे strong field हो गया ये,
फिर ये हो गए नाइट्रोजन वाले मॉडरेट, और ये हो गए सारे वीक। तुम्हें इतने सारे लाइगेंस का सीक्वेंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने जैसे हमने देखा कार्बन वाले स्ट्रॉन्ग, नाइट्रोजन वाले मॉडरेट, और ये दोनों हो जाएंगे वीक, इतना याद रखा तो भी ठीक हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फाइंडिंग विद रिस्पेक्ट टू वैलेंस बॉन्ड थियरी। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।